चलिए दोस्तों, नमस्ते जोहार। मैं उत्तम कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग वीडियो में। दो तीन दिन से काफ़ी बारिश हो रहा है लगातार 24 घंटा। तो अभी एक पर्यटक स्थल में हम आए हुए हैं। तो अगर आप लोग शायद देख के किसी को पता भी चल रहा होगा कि कौन से स्थल पर आए हैं, और जिनको नहीं पता है मैं उनको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे और पूरा मानसून का मतलब कैसा मज़ा देते हैं आपको लेते रहिए। तो चारों तरफ मतलब इधर इधर जाने का अच्छा सा सुविधा है, जहाँ पर कुछ मतलब खतरा नहीं हो सकता है उठने से। तो इस तरफ की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप सीढ़ियों के सहारे चढ़ सकते हैं। अगर अपने दोस्तों के संग अपने जो प्रियजन हैं उनके साथ आके यहाँ पर बैठ के आराम से गप्पे सप्पे वगैरह वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ से सीढ़ी जो शुरू होता है वो पक्का नहीं बनाया हुआ है, ऐसे पत्थर का बोल्डर वगैरह रखा हुआ है। तो आप ये चट्टान, इधर भी एक बैठकी बनाया हुआ है, तो इधर से भी जा सकते हैं। इधर थोड़ा रास्ता ये है, लेकिन इतना भी वाला नहीं है कि आप आ नहीं सकते। इन चट्टानों में बैठ के अपना टाइम पास कर सकते हैं, या टाइम ही पास होता है, समझे ना। यहाँ दूसरा कुछ पास करना नहीं होगा, एग्ज़ाम वग्जाम पास क्लियर नहीं होगा यहाँ आगे, समझे ना। और ये है शेड, इसमें भी आप रह के मज़े मार सकते हैं आराम से। और कुछ दीवाने यहाँ पर अपना उपस्थिति दर्ज करा के चले गए हैं। तो आप भी ये सब नहीं कीजिएगा, क्योंकि सब यार बुरा लगता है देखने में, कैसा हो गया देखने में, कितना अच्छा था। तो ये सब नहीं कीजिए। और आपके द्वारा जो कचरा होता है आप इस डस्टबिन में डाल सकते हैं। आप इस रास्ते से भी उधर जा सकते हैं, और अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको ये रास्ता चूज करना होगा। अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पर, एक छोटा सा प्यारा सा गुफा है उस पर। तो काफ़ी अभी खतरनाक हो सकता है यार, मतलब देख रहे हैं ऐसे ऐसे रास्ते सो के जाना पड़ेगा। बारिश हो चुका है ना, तो ऐसे टाइम पर जो है इस टाइप का इधर उधर चलना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो मुझे तो डर लग रहा है, काफ़ी डर लग रहा है, साथ में कुछ एक्साइटमेंट भी है अंदर ही अंदर। केयरफुली चला जा सकता है। गुफा तक पहुँचने के लिए इस टाइप के कठिन यात्राओं को करना पड़ रहा है सामना। और यार मतलब इतना बड़ा बड़ा घास है कि समझ देखना पड़ रहा है, थोड़ा चट्टान। और हम तो आ गए भैया, और आपको लेके हम पहुंच गए हैं गुफे पर। अब इसको करना है पार, तो करते हैं यार। और ये रहा गुफा, गुफा कुछ इस टाइप का दिखता है बाबू भैया। यहाँ पर ये इधर इधर कुछ लिखा है, समझ रहे ना। इधर यार कुछ हो सकता है, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, कुछ झपड़ देगा चेहरे पर अभी, तो मेरे को घायल भी कर सकता है। तो ये इतना यहाँ ये टॉप है, तो आप इस रास्ते से भी इस गुफा पे आ सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पीछे साइड से, जो काफ़ी खतरा था यार, खतरा था, और बारिश का मौसम है तो और ज़्यादा खतरा है, तो आप उधर से नहीं आए तो ही बेटर होगा।
वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब देख लिए नमस्ते जोहार।